आज बनाते हैं सेव टमाटर, थोड़े से टमाटर प्याज और टोमेटो प्यूरी के साथ, और साथ ही अदरक लहसुन मिर्च और सेव ले लेंगे। 3 चम्मच तेल गर्म कर लिया है मैंने, साथ ही जीरा और राई डाल दिया है, यहाँ मिर्च डाल दिया है, साथ ही में प्याज डाल दिया है मैंने। अच्छे से भून लेंगे इसे, और इसके बाद अदरक और लहसुन मैंने यहाँ ग्रेट करके लिया है, इसे भी इसके साथ अच्छे से भून लेंगे। अब इसके बाद बेसिक से मसाले जो होते हैं ना, हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरे का पाउडर और नमक भी डाल देंगे, और अच्छे से इसे भी भून लेंगे। तो यहाँ पर आंच धीमी रखेंगे, बारीक कटे टमाटर इसमें डाल देंगे और टमाटर के नरम होने तक इसे अच्छे से ढककर पकने देंगे। तो देखिए टमाटर हो गया है अच्छे से नरम, यहाँ इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च और टोमेटो प्योरे, और अब इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। मसाले की जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छी हमारी सब्जी लगेगी। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए इसे देख लेंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे। तो लगभग मसाला हमारा भून चुका है, यहाँ मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके यहाँ डाल दिया है मैंने, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। मसाला भून चुका है तो थोड़ा सा पानी यहाँ मैंने डाल दिया है, और पानी को ना अच्छे से उबलने देंगे यहाँ पर। तो जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो इसमें डाल देंगे सेव, और सेव डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसे नहीं चलाना है, बस मिक्स कर लेना है और ढककर इसे थोड़ी देर पकने देना है। बस इतनी ही आसान है ये सब्जी बनाना सेव टमाटर की। तो ये सब्जी हो गई है रेडी, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया और चाट मसाला डाल दिया है बहुत ही चटपटे टेस्ट के लिए। तो लीजिए फ्रेंड, तैयार है सेव टमाटर की सब्जी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।